सीने के अंदर निकल पड़े, आवाज आए तो खुद की कौशल निकल पड़े, नहरे फरात सीने के अंदर निकल पड़े। ये इम्तिहानी सब्र था वरना हुसैन है, ये इम्तिहानी सब्र था वरना हुसैन है। एड़ी जमीन पे रख ले तो कौशल निकल पड़े, एड़ी जमीन पे रख ले तो कौशल निकल पड़े। बड़े भाई जनाब अमर फैजी से आप मनकबते इमाम हुसैन से बात कर रहे थे। हजरत याद रखें इमाम पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मनकबत आपका तस्करा पूरी रात इंसान पूरी जिंदगी करता रहे, लेकिन फिर भी इमाम पाक ने इस्लाम पर और अपने दादा जान की उम्मतियों पर जो एहसान किया है कयामत तक उसे कोई अदा नहीं कर सकता। इसलिए जब आपके सामने मनकबते इमाम हुसैन या नाते रसूल के अशआर पढ़े जाए तो आप अपनी मोहब्बतों से नवाजा करें। हजरत अभी तक आप शायद अहले सुन्नत हजरत कमर रजा फैजी साहब को समाप्त कर रहे थे। अब आइए मैं उन्हीं के बारे में मुकर्रर जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी शोहरतों से नवाजा है, बड़ी इज्जतों से नवाजा है। आइए मैं उनको आपके हवाले करूं, लेकिन उससे पहले मैं दो शेर पढ़ना चाहता हूं। आप सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथों को उठाएं, इसी तरह हाथ उठाए। मैं आप जरा से पूछता हूं, आपके घर पे अगर मेहमान आए और आपसे वो किसी चीज की फरमाइश करे तो आप पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ जोड़ करके मैं अपने भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, खुदा की कुर्सी लेकर के यहाँ चले आ जाए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु वास्ता आपको दे रहा हूँ, आप अपनी कुर्सियाँ लेकर वहाँ चले जाए। देखिए प्रोग्राम कामयाब करना ये उलमाए किराम जब तक आप तरतीब के साथ मजमे में नहीं बैठे प्रोग्राम उस वक्त तक कामयाब हो नहीं सकता। और आपको मालूम है कि आज की शब दुनिया अहले सुन्नत का वो अजीम और मुमताज खतीब आपके माबैन जलवा फरोज है, जिसकी खिताबत सिर्फ आपके यूपी में नहीं बल्कि उरुसुल बिलाद जैसी सरजमीन पर वो सिक्के राइज वक्त बना हुआ है। उसकी तकरीर को सुनने के लिए लोग न जाने कितने कितने मीलों का सफर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मती कही है कि आज वो खतीब आपके माबैन जलवा फरोज है, और उसी के साथ साथ दुनिया इस्लाम का वो अजीम शायर जो अपनी मतहरी आवाज की बदौलत इश्क रसूल की बदौलत आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान में बिल्कुल चमक रहा है, उस शायर का नाम हजरत मोहम्मद अली फैजी, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। बहुत ही अनकरीब वो मिंबरे रसूल पर आ जाएंगे। आइए मैं हजरत फहीम बस्तवी को आपके सामने पेश करूं, लेकिन उससे पहले मैं तो शेर पढ़ना चाहता हूं। आप सुनेंगे कहने या हुसैन या हुसैन क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन है, कहते सुभान अल्लाह क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में, हर शख्स रो रहा है तलाशे हुसैन में, क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में, हर शख्स रो रहा है तलाशे हुसैन में, सैलाब देखता हूँ तो आता है ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में, सैलाब देखता हूँ तो आता है ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में, हुसैन में। हजरत फहीम रजा बस्तवी का इस्तेमाल नारे तकबीर की सदाओं में कर ले, नारे तकबीर